नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना पर सरकार सतर्क, दूसरी बूस्टर डोज देने की तैयारी शुरू। देश में फैल रहा XBB.1.5 वेरियंट। बिहार दौरे पर जेपी नड्डा, मिशन 40 के लिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ वैशाली में करेंगे बैठक। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होंगे 10 साल से पुराने पेट्रोल डीजल से चलने वाले थ्री व्हीलर्स। हरियाणा में पानी के 14,000 सैंपल फेल, आर्सेनिक व यूरेनियम भी मिला। उल्टी दस्त से लेकर कैंसर तक का खतरा, सरकार ने रिपोर्ट मांगी। प्रियंका बोली राहुल योद्धा, सत्यपथ से डिगेंगे नहीं। यूपी में कहा अडानी अंबानी ने बड़े नेता खरीदे, भाई को नहीं खरीद पाए। गोवा में भ्रष्टाचार पर अंकुश, 5 वर्षों से नहीं मिली रिश्वतखोरी या आय से अधिक संपत्ति की कोई शिकायत। सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है साल 2023, स्पीड लिमिट समेत बदले जाएंगे यह नियम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 इंफ्रा परियोजनाओं का किया उद्घाटन, सीमावर्ती राज्यों में बढ़ेगी सैन्य ताकत। 10 में से 7 ड्राई शैंपू में कैंसर फैलाने वाले केमिकल मौजूद, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। यूपी के मदरसों में मॉडर्न पढ़ाई, नर्सरी और LKG में शुरू होंगे एडमिशन, बच्चे बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। बॉर्डर पॉलिटिक्स करने वालों को जयशंकर ने सुनाई खड़ी खोटी, कहा राष्ट्र का नुकसान ना करे। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में सिंधिया समर्थक मंत्रियों समेत 50 विधायक डेंजर जोन में। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए करानी होगी KYC, गेम में कितने रुपए जीते इसकी भी देनी होगी जानकारी, कंपनियों के लिए ड्राफ्ट तैयार। रोजगार मेला, 10 लाख नौकरियों के वादे पर बोले पीएम मोदी, महाराष्ट्र में युवाओं को दिया जा रहे नियुक्ति पत्र। सबसे बड़े सियासी सूबे में सबसे छोटी भारत जोड़ो यात्रा, यूपी में 80 लोकसभा सीटें, सिर्फ 3 सीटें ही कवर होगी, 2.5 दिन यात्रा। कोई गड्ढा नहीं था, नेशनल हाईवे के अधिकारी ने नकारा पंत का दावा, एक्सीडेंट मामले में नया ट्विस्ट। विदेशी से लूट के बाद अब गोवा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पर्यटकों को सुरक्षा करेगी पुलिस। बजट में जो कहा वो कर दिखाया, वित्त मंत्रालय ने शुरू किया कैंपेन, जनता को दी जा रही जानकारी। सिनेमा हॉल में बिकते रहेंगे महंगे पॉपकॉर्न और समोसे, हाईकोर्ट ने कहा थिएटर को नियम शर्ते तय करने का अधिकार, ग्राहक चाहे तो न खरीदे। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को CAA लागू नहीं करने देंगे, केंद्रीय मंत्री बोले पूरे देश में लागू होगा। दिल्ली में 16-17 जनवरी को होगी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, नड्डा के कार्यकाल पर हो सकता है फैसला। मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया था, कांग्रेस बीजेपी मेरे यहाँ आए थे, कुमार स्वामी का शाह पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी बोले हम बीते 8 सालों में अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का काम कर रहे हैं। LAC पर भारत के विध्वंसक जंगबाज तैनात, जिनपिंग ब्रिगेड की हर साजिश होगी नाकाम। राजस्थान में फेल हुआ मिशन पायलट, विधायकों की वफादारी से गहलोत को मिला अभयदान। आधार में अपडेट करना है पता तो अब घर के मुखिया की लेनी होगी सहमति। क्रिसमस से न्यू ईयर तक दिल्ली वालों ने गटकी 218 करोड़ की शराब, सरकार को 560 करोड़ का मुनाफा। भारत के 10 में से 7 स्कूल प्राइवेट, 73% लोग अच्छी पढ़ाई न होने के चलते सरकारी स्कूलों में नहीं कराते बच्चों का दाखिला। बिहार में प्रदेश सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, बोले नीतीश ने जनता को धोखा दिया, जनादेश का अनादर किया। गर्मियां लाएगी जेब में आग, गोदरेज हायर और पैनासोनिक जैसी होम अप्लायंस कंपनियों के फ्रिज हो सकते हैं महंगे। AD-1 मिसाइल के सफल परीक्षण से बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ भारत की बड़ी छलांग, लंबी दूरी तक किसी भी मिसाइल को कर सकती है नष्ट। विमानों में फ्यूल का काम करेगा कुकिंग ऑयल, कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है खाना पकाने वाला तेल। भारत भ्रमण करते करते राहुल गांधी खुद हो गए भ्रमित, वो चाहते हैं भारत चीन के आगे हो जाए नतमस्तक, भाजपा। बढ़ते प्रदूषण से बांझपन का शिकार हो रही महिलाएं, पुरुषों के स्पर्म काउंट में भी कमी आ रही। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का तेजी से बढ़ रहा क्रेज, 2022 में बिकी 6 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। PM मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा, छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। नाक में उंगली डालने वाले सावधान, लग सकती है भूलने की बीमारी, चूहों पर हुए शोध में प्रमाण। बच्चों के हाथ में कुरान के साथ कंप्यूटर भी हो, मौलाना ने किया मदरसों की तालीम में सुधार का समर्थन।
विदेश मंत्री जयशंकर की लगातार एलएसी पर सीमा बदलता रहता है चीन, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखेंगे सबूत। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टियां। हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद। मध्य प्रदेश में बारिश और ओला गिरने के आसार। राहत, देश के एक भी जिले में कोरोना का येलो अलर्ट नहीं, 500 से ज्यादा जिलों में बीते हफ्ते कोई केस नहीं मिला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुनाव की रणनीति को धार देगी भाजपा, पीएम मोदी के सहारे जनता का भरोसा जीतने की कोशिश। 14 और स्टेशनों को विकसित करने के लिए 4-5 महीने में जारी होंगी निविदाएं, मिलेंगी कई खास सुविधाएं। वाहनों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, पुलों पर रेलिंग की जगह लगे क्रैश बैरियर। रक्षा मंत्री की दो टूक, बोले थोपा गया युद्ध तो सेना लड़ने के लिए तैयार, भारत हर चुनौती से निपटने में सक्षम। राहुल की यात्रा में अंबेडकर, काशीराम के जयकारे, खड़गे के कारण कांग्रेस की ओर लौटे दलित वोटर। काम की खबर, दवाई असली है या नकली, QR कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। 5G से बढ़ेगी टेलीकॉम सेक्टर में नौकरियां, दूसरे सेक्टर में भी नई तकनीक बढ़ाएगी मौके। मोदी की बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस की दुविधा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कैसे साधे संतुलन। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, अगले 10 साल में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 40 करोड़ यात्रियों के आने की संभावना। सरकार ने कच्चे तेल ATF समेत डीजल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल डीजल के रेट पर क्या होगा असर। महाराष्ट्र, 7,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, राज्य में गैर इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं ठप। मिल गया मलेरिया का इलाज, एक दवा से बनी एंटीबॉडी करेगी इस बीमारी से बचाव। राम वाम गठबंधन बंगाल में उभर रहा, ममता का दावा बीजेपी और लेफ्ट में गोपनीय समझौता। बढ़ सकता है आपका मोबाइल बिल, नए साल में टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां। पाकिस्तान में आटे की कीमत प्रति किलोग्राम 64 रुपए के पार, चीनी और घी का दाम भी छू रहे आसमान। देश में सिर्फ 2% लोगों तक ही पहुंच रहा पीने का साफ पानी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो हरियाणा में पानी के 14,000 सैंपल फेल, आर्सेनिक व यूरेनियम भी मिला, उल्टी दस्त से लेकर कैंसर तक का खतरा, सरकार ने रिपोर्ट मांगी। जी हाँ, हरियाणा के पीने वाले पानी को लेकर जल जीवन मिशन ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा के 20,194 पानी के सैंपलों की जाँच में 13,828 सैंपल परीक्षण में फेल हो गए हैं। 126 पानी के नमूनों में आर्सेनिक, मरकरी और यूरेनियम की मात्रा अधिक मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पानी लंबे समय तक पीने से स्किन, लंग्स, किडनी और मूत्राशय में कैंसर का खतरा हो जाता है। राज्य के दूषित जल का मुद्दा दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठा था। जल जीवन मिशन की टीम ने पेयजल परीक्षण के लिए हरियाणा के ग्रामीण जल आपूर्ति के स्रोतों, वाटर सप्लाई पॉइंट के साथ सार्वजनिक और निजी जल निकायों के सैंपल एकत्र किए। राज्य भर से मिशन की टीम ने लगभग 77,000 सैंपल लिए, इनमें से 20,194 नमूनों की जाँच की गयी। फेल हुए सैंपल आंकड़ा लगभग 16% के करीब है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में सिंधिया समर्थक मंत्रियों समेत 50 विधायक डेंजर जोन में। जी हां, मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 5वीं बार राज्य में कमल खिलाने का सपना संजो रही भाजपा को एक सर्वे ने परेशानी में डाल दिया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आगामी चुनाव को देखते हुए अलग अलग सर्वे कराए हैं, इनमें अधिकांश के नतीजे मिलते जुलते आए हैं। इन सर्वे में 50 से अधिक मौजूदा विधायकों की स्थिति खराब बताई जा रही है। वहीं करीब एक दर्जन से अधिक मंत्रियों में आधे से ज्यादा सिंधिया समर्थक मंत्रियों की स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि संगठन के सर्वे के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। करीब 40 से 50 विधायकों के टिकट पर संकट खड़ा हो जाएगा, इससे पार्टी नए और युवा चेहरे को मौका देगी। कोरोना पर सरकार सतर्क, दूसरी बूस्टर डोज देने की तैयारी शुरू, देश में फैल रहा XBB.1.5 वेरिएंट। जी हां, दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में अभी कोरोना के मामलों में उछाल नहीं देखा गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन में तेजी से बढ़ रहा जानलेवा कोरोना वायरस का सब वेरिएंट XBB.1.5 अब पूरे भारत में फैल रहा है। इसको लेकर सरकारी पैनल अब सतर्क हो गया है। पैनल में कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए दूसरी बूस्टर डोज देने पर चर्चा की जा रही है। सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब वह बूस्टर डोज की कवरेज को बढ़ाने पर जोर दे रही है। वर्तमान में 28% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। देश में पिछले साल जनवरी में बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई थी। तकनीकी समूह के सदस्य के बीच बूस्टर डोज देने को लेकर चर्चा शुरू की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है साल 2023। स्पीड लिमिट समेत बदल जाएंगे यह नियम। जी हां, विश्व में हर साल जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती है उनमें से 11% से अधिक हिस्सा भारत का है। दुर्घटनाओं और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत का नंबर पहला है, लेकिन इस साल तस्वीर बदल सकती है। सड़क सुरक्षा के मामले
में सबसे अधिक जिम्मेदारी राज्यों और उनकी एजेंसियों की है, इसलिए उनकी मदद के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 7,000 करोड़ रुपए की योजना की तैयारी की है, जो मूल रूप से राज्यों को सड़क सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदान की जाएगी। वाहनों को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी इस साल 2 अहम कदम उठाए जाएंगे। एक तो M1 श्रेणी के सभी वाहनों में 1 अप्रैल से सभी फ्रंट फेसिंग सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य होगी और दूसरे वाहनों में 6 एयरबैग यानी कि ड्राइवर और आगे की सीट पर पैसेंजर के अतिरिक्त 4 अन्य 1 अक्टूबर से अनिवार्य होंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।